हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कौन से सेक्टर्स चले, कौन से सेक्टर्स नहीं चले और कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स ऐसे थे जो चले। तो एक सेक्टर था PSU बैंक, IT, स्मॉल कैप, फार्मा, मिड कैप, फाइनेंस। ये ऐसे सेक्टर्स थे जो चले, थोड़ा बहुत चले, बट अदरवाइज देखा जाए इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों नेगेटिव थे। और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कहाँ थी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में, फिर उसके बाद मीडिया, फिर उसके बाद एनर्जी। निफ्टी प्राइवेट बैंक वॉज डाउन ऑलमोस्ट बाय 0.9%, मीडिया वॉज डाउन बाय 0.9%, एनर्जी वॉज डाउन बाय 0.78%। तो मेजरली जो मार्केट है वो प्राइवेट बैंक वॉज वेरी नेगेटिव एंड दैट इज वॉट लेड बैंक निफ्टी ऑल्सो टू स्लाइड एंटायर डे। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आपके सामने मैंने लगा रखी है, आप देखिए निफ्टी में प्राइस जो है एक नैरो चैनल में चल रहा है काफी समय से। और जो कल निफ्टी ने, फ्राइडे को जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, उससे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी फिर से अपने 19,000 और 20,000 को टच करने के लिए तैयार है। बट आज फर्स्ट टिक से ही निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। निफ्टी सुबह से ही एक सेलिंग प्रेशर के अंडर वाज, अंडर सेलिंग प्रेशर लगातार, देयर वाज अ फॉल दैट वाज सीन इन निफ्टी। नाउ क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट ही बहुत क्रूशियल लेवल ऑफ 18,738 का टच किया है। अगर हम 1 आवर में इसको चेक करते हैं, इस लेवल को चेक करते हैं, निफ्टी कुछ समय के लिए इसके नीचे गई और फिर वापस बाउंस किया है, बट क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही दी है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है निफ्टी में भी। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के निफ्टी की, तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि पुट साइड में देयर हैज बीन ह्यूज अनवाइंडिंग, ये सारी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। और कॉल साइड में आप देखें तो ह्यूज कॉल राइटिंग हैज हैपेंड स्टार्टिंग फ्रॉम 18,750 टिल 19,000, almost like 1, 2, 3, 4 lakh contracts have been written here, whereas aaj ke din mein hi likhe gaye hain sare contracts, aur jabki yahan agar dekha jaye to almost like 1.5 lakh contracts unwind hue hain. To ye ek bahut serious matter hai, in the sense ki there is a put which provides the support, wo unwind ho rahi hai aur call right ho rahi hai, to thoda stress nifty ko rahega. जो एक्सपेक्टेशन थी कि 19,000 के ऊपर चली जाएगी निफ्टी, आई डोंट थिंक सो इन दिस एक्सपायरी निफ्टी इज क्रॉसिंग दैट। एनीवे अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहना है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगर निफ्टी आज के लो को ब्रेक करती है विच इज 18,720, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 18,700, 18,666, दोज टारगेट्स कैन बी सीन। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत क्रूशियल लेवल के नीचे ट्रेड कर रही थी। आप देखेंगे मैंने एक ये चैनल बना रखा है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी ने एक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है और एक बहुत शानदार गिरावट आई थी थर्सडे वाले दिन, बहुत जबरदस्त एक यूनिडायरेक्शनल मूव आया था। फ्राइडे को एक बाउंस आया है और आज के दिन बैंक निफ्टी ने भी सुबह से, देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस सेलिंग, इट स्टार्टेड विद ओपन इक्वल टू हाई कैंडल एंड पूरे दिन बैंक निफ्टी में एक गिरावट आई है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने इस गिरावट को सपोर्ट किया और कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा गिरावट आई है कोटक बैंक में, फिर बंधन बैंक में, फिर एक्सिस बैंक में एक फ्री फॉल आया था। IDFC में भी गिरावट आई है, जबकि IDFC एक ऐसा बैंक है जो बहुत समय से चल रहा था। ICICI बैंक में गिरावट आई है, IndusInd बैंक में गिरावट आई है, AU बैंक में गिरावट आई है, RBL बैंक में गिरावट आई है और बैंक निफ्टी इटसेल्फ वाज फॉलिंग डाउन कंटिन्यूसली। सो काफी सारे बैंक्स ने सपोर्ट किया है फॉल को। और किसने सपोर्ट, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं गिरे, उनमें से HDFC एंड HDFC बैंक ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा नहीं गिरे बैंक निफ्टी के चले की गिरावट में। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का स्टांस क्या रहेगा और क्या लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। तो ये बैंक निफ्टी आपके सामने लगी हुई है और जहां तक मुझे समझ में आता है
कि बैंक निफ्टी इफ इट ओपन्स टुमारो बिलो 43,500, अ टारगेट ऑफ 43,400 कैन बी सीन एंड आफ्टर 43,400 देर कैन बी अ फ्री फॉल टिल अबाउट 43,000. दिस इज वॉट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी 43,400 को होल्ड कर लेती है कुछ समय के लिए तो हो सकता है वहां से एक छोटा सा बाउंस बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे. बट अगर 43,400 को होल्ड नहीं कर पाती है, सपोज कल यहाँ कहीं खुलती है बैंक निफ्टी, यहाँ पे कहीं पे खुलती है और फिर क्रॉस करती है, यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ अबाउट 300-400 पॉइंट्स ड्रॉप इन बैंक निफ्टी. सो एज ऑफ नाउ अगर हम ऊपर की तरफ की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में बाई की अपॉर्चुनिटी आएगी केवल 43,800 के ऊपर. अगर बैंक निफ्टी आपको एक बाउंस देती है तो 43,800 के ऊपर आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 44,000. एंड 44,000 मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा टिल दिस एक्सपायरी. एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है. ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे तो देर हैज बीन अ क्वाइट अ लॉट ऑफ अनवाइंडिंग टुडे. और अगर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स हैव बीन एग्रेसिव इन 43,500, 43,600, 400 range, or agar call writers ki baat kare to there has been aggression in call writing. Put writers utne aggressive nahi the, but call writers mein aap dekhenge to 36,000, 35,000, 65,000, 72,000 bahut sari call writing hui hai. To there is a huge resistance that bank nifty may be experiencing, and just be careful on the buy side because option writers are always very, very strong. So as far as I am concerned, as Bank Nifty has already broken a very, very important level, this zone was broken by Bank Nifty. और उसके बाद आज भी एक positive, Friday को positive candle बनने के बाद आज फिर एक गिरावट आई है. अगर Bank Nifty अपने आज के लोग को ब्रेक करती है तो 100 points का drop, और अगर 43,400 को ब्रेक करती है तो 500 points का drop आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में. So with this, I'll be signing off and stay tuned for more updates and do join us for live trading from 10 to 11. All the best. Take care. Bye-bye. See you in the next video.